सुखदाई धन्य हो अमृत काल। सूर्योदय हो सर्वोदय का जीव जगत कल्याण। वैश्विक हो नेतृत्व राष्ट्र का सर्वांगी हो विकास। नव भारत निर्माण करेंगे जीतो का विश्वास। जीतो राष्ट्र सेवा में जीतो कहता जय भारत। जीतो कहता जय भारत। जय 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 अमृतकाल। जय 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 जय। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है कि आने वाला समय अमृत काल का है और उसमें भारत का सर्वांगीण विकास हो। जीतो ने भी ये बेड़ा उठाया। ये हमारी राष्ट्रीय कर्तव्य है और हमने इसको राष्ट्रीय पर्व बनाया। 15 अगस्त के तहत और उसके पहले हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव जहाँ 75,000 ट्रीज लगा रहे हैं। 75,000 बॉटल्स ब्लड डोनेशन की हम इकट्ठा कर रहे हैं। स्किलेथन इवेंट कर रहे जब 15,000 युवाओं को स्पेशल स्किल्स की सुविधा दी जाएगी। हम सबसे बड़ा स्टार्टअप जो मोदी जी का सपना है स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके तहत हम स्टार्टअप का फंड्स ला रहे हैं। और सबसे बड़ा अमृत काल महोत्सव में इंडिया एट 75 एंड इंडिया एट 100 हम क्या होंगे, हम एक विश्व शक्ति होंगे, उसका 2 दिन का कॉन्क्लेव रखा गया है जहाँ भारत कैसे विश्व गुरु बने और वैश्विक देश बन के हम कैसे हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारी जो एक संस्कृति थी उसको कैसे आने वाले संस्कृति में आने वाले समय में एक जीवन प्रलय बन जाए, एक जीवन प्राण बन जाए, इस तरह से हम करें। अमृतकाल महोत्सव बहुत ही बड़ा महोत्सव है। आओ हम सब जुड़े, हम योगदान दें। एक भारत श्रेष्ठ भारत महान भारत। जी तो अमृतकाल महोत्सव कितने स्टेटों में होने वाला है, ये 68 क्षेत्र में बन रहा है, 68 जीतों के चैप्टर्स है, पर हमने ये जीतों तक सीमित नहीं रखा है। हर घर अमृत काल, हर घर अमृत महोत्सव, हर घर जीतो, हर देश जीतो, हर दिल जीतो, ये हमारा नारा है। सर इतना बड़ा मुहिम है तो गवर्नमेंट से क्या कुछ हेल्प है? नहीं, गवर्नमेंट को हमने इन्फॉर्म किया और ये हमारा मिशन है। सी एक सबसे बड़ी कहावत है, हमने क्या दिया वो इम्पोर्टेंट है, हम क्या ले रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारे देने का पर्व है, जॉय ऑफ गिविंग। लास्टली क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है हम सब मिलके, भारत देश हमारा देश है, हम उसे मजबूत करें, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो कुदरती हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो हर तरह से एक दूसरे का खंदा पकड़ना हो, हम हमारा भारत मां एक ही संदेश पहुंचाए। आओ आने वाला समय भारत का है, अमृत काल समय, हम तन मन धन से सब कुछ योगदान करें देश के लिए। शुरू करें ताकि रोजगारी खुद क्रिएट हुई तो है। जीतम जो नया कार्यक्रम जो रिसर्च विंग हमने शुरू किया है वो भी लंबी सोच के लिए किया है कि 1-2 साल नहीं, आगे वाले 25 साल के लिए। 25 साल की सोच में हमारा ये एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करें, स्टार्टअप कंपनीज को हेल्प करें। तो स्टार्टअप कंपनीज को क्या चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज का क्या हो रहा है, कैसे उनको बदलाव आ सकता है और आगे उनको कैसे समर्थ बनना है, उसके लिए स्टार्टअप्स इन्वेस्ट होते हैं। तो स्टार्टअप्स को एनकरेज करना भी हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसके लिए जो नया कार्यक्रम हुआ है वो है जीतो इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। उसके अंदर आप कुछ हैंड होल्डिंग भी करते हो, मतलब बिजनेस जो आप तो इतने ज्ञानी लोग हो बिजनेस के मामले में, आपसे तो मतलब जैन कम्युनिटी को देने बोला करेंगे तो आप उनको जो जो ज्ञान नहीं है, देखो पैसे एक अलग चीज होती है जो जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा उसमें उसके बाद हाँ उनको उसमें क्या होता है। हमने एक नया प्रोजेक्ट भी यानी एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है जो है जीतोप्रेन्योर्स, जिसको एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा तो है पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनूं एग्जैक्टली। तो अगर उसके बारे में उसको जानकारी लेनी है तो ये जीतोप्रेन्योर्स हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाके वो अप्लाई यानी क्लिक करें तो उनका एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है। साइकोमेट्रिक एनालिसिस होने के बाद उनको बताया जाता है कि आप में किस बिजनेस करने की क्षमता है। तो उसमें से 4-5 ऑप्शन आते हैं, आप उस 4-5 ऑप्शन में कोई एक चूज़ करो, उसमें से और भी 10 बिजनेस आइडियाज आते हैं
और उसमें से कोई बिजनेस आइडियाज आप चूज करो तो उसका बिजनेस प्लान आता है, फिर आपको मेंटरशिप मिलता है कि आप में एक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सब पूरी जानकारी देके हम एंटरप्रेन्योर्स को प्री इंक्यूबेशन करते हैं। प्री इंक्यूबेशन के बाद वो जाते हैं JIIF जहाँ पे जीतो इंक्यूबेशन इनोवेशन फाउंडेशन, वहाँ पे वो लोग अपना अपने एक बार कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ जाके उनको फंडिंग भी मिलता है, उनको मार्केट मिलता है, उनको गाइडेंस मिलता है। ये सब देने के बाद हमारी यही सोच है कि अगले 25 साल जैसे इंडिया 100 हमको 100 भामाशाहों को तैयार करना है, यूनिकॉर्न्स को तैयार करना है। थैंक यू सुप्रभात जी, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है उसके बारे में विस्तार से बताइए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है आज़ादी का जो महोत्सव अमृतकाल का महोत्सव का इनोग्रेशन आज किया है जो 26 अगस्त को खत्म होगा दिल्ली में, उसमें कई अलग अलग वैरायटी के प्रोग्राम करेंगे, मोस्ट प्रोग्राम में टी प्लांटेशन करेंगे, जॉब मेला और जॉब मेला लगाएंगे और अलग अलग वैरायटी के काम करेंगे, ब्लड डोनेशन करेंगे, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीजें काम करेंगे और 26 तारीख को दिल्ली में उसको फाइनल। इसके अलावा स्किलोथॉन के बारे में आप बताइए ना, स्किलोथॉन में जो अभी 15 तारीख से लेके 22 तारीख तक एक स्किलोथॉन मैराथन एक पूरा अभियान चल रहा है जिसके अंदर 108 रुपए में 108 स्किल सुनाएंगे, जिसके अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट गुरु आके सिखाएंगे कि अलग अलग स्किल्स क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल होगी उसमें, हर एक यूथ के लिए, लेडीज के लिए और नॉर्मल पब्लिक के लिए भी डिफरेंट टाइप की स्किल, और जॉब मेला जो है ओपन फॉर ऑल है, जनरल पब्लिक के लिए है, तो वो भी इसके अंदर चलाया जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू।